वेलकम बैक फ्रेंड्स इन एग्जाम स्टडी। और यहाँ पर हम ई दृष्टि करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे वीडियो का 13वां जो है पार्ट है, और बाकी की 12 वीडियो हम ऑलरेडी अपडेट अपलोड कर चुके हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स इन एग्जाम स्टडी। यहाँ पर ई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन की हम चर्चा कर रहे हैं। ये ई दृष्टि मैगजीन का 13वां वीडियो है। बाकी 12 के वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। 12 मार्च 2019 में ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने किस वैज्ञानिक के सम्मान में 50 पेंस का सिक्का जारी किया? और फ्रेंड्स इस सिक्के का नाम है ब्लैक होल। तो ये स्टीफन हॉकिंग हैं, जो एक भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ब्लैक होल पर जो है काफी ज्यादा काम भी किया था। और इनकी सबसे प्रसिद्ध बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इसको भी वो पूछ सकते हैं। और उसके बाद में ये सिक्के जो है वो चांदी और सोने के है, और 50 पेंस का ये सिक्का है। नेक्स्ट है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी युवाओं में कौशल विकास के जरिए उन्हें काबिल बनाने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल है श्रेयस पोर्टल, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में काम करेगा। और इसको उद्घाटन किया है या इसको जारी किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। नेक्स्ट है, 20 से 22 फरवरी 2019 के मध्य ऊर्जा और पर्यावरण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? अब यहाँ पर लिखा की जा रही है, हालांकि ये आयोजित की जा चुकी है, ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त्यार कूदम जो कि केरल की चोटी है, और ये महत्वपूर्ण कंटेंट है इसके सारे, इसलिए इसके सारे कंटेंट को देखेंगे। अगस्त्यार कूदम चोटी केरल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पहली जो ऊंची चोटी है वो अनाई मुदी है, और वो ना केवल केरल की है बल्कि पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी है, जो कि 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता के धन्या सानल इस चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगस्त्यार कूदम पर्वत की तलहटी में कानी ट्राइब्स जो है जनजाति निवास करती है, तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। और यहाँ पर देखते हैं कि सबरीमाला स्थित अयप्पा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति के उपरांत केरल के ही एक अन्य स्थान पर लैंगिक भेदभाव मिटाने वाला यह उठाया गया एक और कदम है। तो अभी तक जो सबरीमाला में जो है लैंगिक भेदभाव को लेकर के विवाद चल रहा था, साथ ही ये अगस्त्यार कूदम चोटी पर भी महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी, तो यहाँ पर जो है महिलाओं को जाने की अनुमति दे दी गई है, वही बात यहाँ पर लिखी गई है। और उसके बाद में ये नयार वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है अगस्त्यार कूदम चोटी, और जिसकी ऊंचाई 1868 मीटर है, जिसकी तलहटी में कानी ट्राइब्स निवास करती है, और इस ट्राइब्स का संबंध जो है अगस्त मुनि से है। ये इसका मानना है कि अगस्त्यार कूदम चोटी जो है ये अगस्त मुनि का निवास स्थान है। नेक्स्ट है, मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाला दुनिया का प्रथम स्तनपायी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रथम स्तनधारी प्राणी भूरा चूहा कहाँ पाया जाता था? तो ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, जिस पर जलवायु संकट के कारण जो है ये अब नहीं देखा जा रहा है। तो वही यहाँ पता कहा जा रहा है कि विलुप्त होने वाला है, वही विलुप्त नहीं हुआ है, विलुप्त होने वाला है, और ये अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, और ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यह टॉरेस द्वीप जलडमरू मध्य में क्वींसलैंड राज्य और पापुआ न्यू गिनी के बीच में स्थित है, जहां पर ये जिस द्वीप पर पाया जाता था उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, जो कि अब नष्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट है, 8 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल कुम्मानम राजशेखरन का त्यागपत्र स्वीकृत किया है, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो वो जो है मिजोरम के राज्यपाल थे। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति को जो है राज्यपाल अपना त्यागपत्र प्रदान करता है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो एक प्रकार से राज्यों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट है, 1 मार्च 2019 को राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसकी आधारशिला जो है वो गाजियाबाद में रखी गई है, और ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के 150 छात्रों को भारत में पढ़ाई करने हेतु प्रतिष्ठित महात्मा गांधी छात्रवृत्ति पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है श्रीलंका को। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो है 4 मार्च, 5 मार्च, 3 मार्च, 1 मार्च,
विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया और इसकी जो थीम इस बार रही है 2019 में वो है पानी के नीचे जीवन लोगों और ग्रह के लिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, पानी के नीचे जीवन लोगों और ग्रह के लिए इस समय 2019 की जो है थीम थी और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 8 मार्च 2019 को संपूर्ण विश्व में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से प्रारंभ किया गया? अब देखिए, प्रश्न में ही कई चीजें जो है छुपी हुई हैं, कई क्वेश्चन अपने आप में छुपे हुए हैं। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च 2019 को मनाया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस संस्था की पहल है? और विकल्प में दे दे संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र संस्था की ये पहल है। और ये कब से मनाना शुरू किया गया, तो ये 1975 से मनाया जाने लगा। देख सकते हैं कि वर्ष 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को इस दिवस को मनाना शुरू किया, तो 1975 से मनाया जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र की ये पहल है। और 2019 में इसकी थीम थी समान सोचे स्मार्ट बनाएं, बदलाव के लिए नया करें।